स्वागत है आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में। एलटी ग्रेड से संबंधित ये वीडियो है, लेटेस्ट अपडेट इसमें आपको बताई जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं या अन्य परीक्षाएं आप देते हैं, तो सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दी जाती हैं उनकी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं और जो भी अपडेट्स हैं एलटी ग्रेड की उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहली न्यूज यह है कि ये न्यूज आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, लोक सेवा आयोग से संबंधित न्यूज है कि जांच में सुस्ती का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके बारे में सीबीआई जांच बैठाई गई है और उसके में जो धीरी प्रक्रिया चल रही है, सुस्ती चल रही है, उसका मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। एक रिट दायर की गई है, लेकिन अब ये आप पूछेंगे इसमें एलटी ग्रेड का क्या संबंध है। तो देखिए इसमें जो रिट दायर की गई है उसका जो आधार बनाया गया है याचिका के आधार में, एक बिंदु में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात की गई है कि 2018 के पेपर लीक प्रकरण को लेकर वाराणसी के चोलापुर थाने में एसटीएफ की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर का भी जिक्र किया गया है। और उसमें बताया गया है कि सीबीआई जांच के दौरान ही आयोग की एक भर्ती के पेपर लीक का प्रकरण सामने आया। तो जो याचिका दायर की गई है उसमें अब इसके बारे में भी कुछ ना कुछ वहाँ पर डिस्कशन होगा एलटी ग्रेड के बारे में भी। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी न्यूज़ थोड़ी सी राहत भरी है आप सभी लोगों के लिए कि कैबिनेट में उठेगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला, और आप लोग काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी राहत भरी खबर आप लोगों के लिए आई है, यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में यह मामला उठाया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों को इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का मौका भी मिल सकता है, यह आश्वासन दिया है कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने एलटी समर्थक मोर्चा के सदस्य प्रतीक सिंह व राम अजोर पांडे को। प्रतीक सिंह और राम अजोर पांडे ये दोनों लोग गुरुवार को मोती सिंह से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात करके अपनी व्यथा इन लोगों ने बताई थी, तो वहाँ से ये आश्वासन इनको मिला है। दोस्तों तीसरी न्यूज है अंजू कटियार के बारे में, पेपर लीक मामले के बारे में ये न्यूज है। सरकार से अंजू कटियार के खिलाफ अभियोजन की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, यह भी एक सुकून भरी एक अच्छी खबर है एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सरकार ने अभी तक अभियोजन की अनुमति नहीं दी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हुई धांधली का एसटीएफ ने खुलासा किया तो जिले की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रयागराज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार कर लिया। अंजू को गिरफ्तार हुए 2.5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया, लेकिन उनके खिलाफ अभियोजन की अनुमति शासन स्तर से अब तक नहीं मिल सकी है। इसके साथ साथ ही इसे लेकर प्रकरण की तफ्तीश कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का कहना है कि यही हाल रहा तो आगामी 30 अगस्त को 90 दिन बीत जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 30 अगस्त को 90 दिन पूरे हो जाएंगे और जमानत पाने के लिए अंजू के पास ठोस आधार होगा। 28 मई 2019 को एसटीएफ ने चोलापुर क्षेत्र से कोलकाता निवासी प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक को गिरफ्तार कर शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली का खुलासा किया था। कौशिक से मिली जानकारी के आधार पर 30 मई को प्रयागराज से आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार किया गया था। तो जैसा कि एसआईटी का कहना है कि 30 अगस्त को 90 दिन बीत जाएंगे और तब तक अगर प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन नहीं मिलता है शासन पे, तो जमानत पाने के लिए अंजू कटियार का आधार जो है वो ठोस हो जाएगा। इस प्रकरण में 7 अन्य आरोपियों को पुलिस को तलाश है। परीक्षा के अभ्यर्थियों और गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ साथ साक्ष्य एकत्र कर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रखी है, लेकिन अंजू के खिलाफ अभियोजन की अनुमति शासन स्तर से नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में एसएसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि विवेचक की ओर से अभियोजन की अनुमति के लिए पत्र भेजा गया, जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। तो दोस्तों सब मिला के अगर 90 दिन बीत जा रहे हैं, एसटीएफ की रिपोर्ट भी आ सकती है इस बीच में, और अगर अभियोजन नहीं मिलेगा तो अंजू की जमानत भी मिल सकती है। तो एक ये भी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए।
दोस्तों ये थी अपडेट्स एलटी ग्रेड की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।